हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अबाउट राइडर पर। और भाई आज हम बात करने वाले हैं सुजुकी की तरफ से आने वाली एक्सेस स्कूटर की, जो कि है लेटेस्ट वर्जन एंड ये अब तक का सबसे क्लासिक में बेस्ट स्कूटर आप इसको कह सकते हो, क्योंकि इस जितनी माइलेज और इस जैसा लुक अब तक कोई नहीं दे रहा है। प्लस साथ में जो लॉयल्टी है, मतलब हम कह सकते हैं कम से कम मेंटेनेंस वाला स्कूटर भी आप इसको कह सकते हो, इतने मतलब बेस्ट फीचर्स हैं इसमें और सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं भाई। अगर हम इसकी चाबी से, तो इसको आपके यहाँ कुछ इस तरह की चाबी मिलती है, इस पर आपको सुजुकी का लोगो मिलता है। एंड देन हम स्टार्ट करें इसके फ्रंट से, तो फ्रंट में आपको एलईडी लाइट्स में मिल जाती हैं अप एंड डाउन दोनों। एंड वहीं अगर हम नीचे आएँ तो नीचे यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं आपके, ये नॉर्मल इंडिकेटर हैं आपके, बट देखने में काफ़ी बढ़िया लगते हैं और जो लुक है सब एकदम क्लासिक लुक के साथ आता है। और इसमें यहाँ पे क्रोम यूज़ कर रखा है एंड सी सेविस के क्रोम के यूज़ कर रखे हैं, जिससे कि ये काफ़ी ना बढ़िया लुक इसमें निकल के आता है इसका। और वहीं अगर हम नीचे बात करें इसके टायर की तरफ, तो इसके है ना दोनों टायर आपको ट्यूबलेस मिलते हैं, और जो इसका फ्रंट टायर है वो आपको 90/90/12 का मिलता है, और फ्रंट में आपको इसमें डिस्क ब्रेक मिल जाता है। और वहीं अगर हम बैक टायर की तरफ जाते हैं, तो भाई इसका जो बैक टायर है ये आपको 90/110 का मिलता है, और ये भी आपका ट्यूबलेस टायर है। और जो इसका ये ब्रेक है, ये पीसेस में आपको ड्रम ब्रेक मिलते हैं, लेकिन इसमें ना आपको कंबाइन ब्रेक सिस्टम मिल जाता है कि अगर आप अगले ब्रेक लेते हो तो उसके साथ आपके पिछले ब्रेक हैं, दोनों साथ में काम करते हैं। और वहीं भाई अगर हम इसके स्पेस की बात करते हैं, स्पेस है ना काफ़ी ज़्यादा इसमें हम स्कूटर में मिल जाते हैं, यहाँ फुट स्पेस भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा मिलता है। और वहीं अगर हम इसके बैक सीट की बात करें, तो इसमें बैक सीट के नीचे भी काफ़ी अच्छा स्पेस आपको मिल जाता है, इसमें करीबन आपको 22 लीटर के आसपास का स्पेस मिलता है। और मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ इसे खोल के पूरा इसका। तो भाई ये जो बैक सीट है ये अपनी यहाँ से खुलती है, इस साइड चाबी घुमाओगे तो खुल जाती है अपोजिट डायरेक्शन में चल। और वहीं अगर हम इसके स्पेस की बात करें, तो भाई ये इसका स्पेस है, करीबन आपको 22 लीटर का स्पेस मिलता है। इसमें आपको एक तो इसकी सर्विस की जो बुके मिल जाती है इसका, यहाँ पे दे रखा है लगाने का इसका, और ये आपको मेडिकल किट मिल जाती है इसमें, और ये आपकी जो कीज़ वगैरह हैं इसकी वो मिल जाती हैं इसमें आपके। और वहीं भाई अगर इसकी हम सीट की बात करें, तो काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल सीट है और काफ़ी लंबी सीट इस पर दे रखी है, तो आप 2-3 आदमी भी बड़े आराम से इस पर बैठ सकते हो। एंड वहीं अगर हम पीछे बात करें, पीछे आपको इसमें ना ये हैंड ग्रिप भी दे रखी है पकड़ने के लिए, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। और वहीं अगर हम नीचे की तरफ आते हैं, तो नीचे आपको ना इसमें यहाँ पे फ्यूल टैंक का भी इसका बाहर दे रखा है, जो कि सुजुकी ने सबसे बेस्ट काम कर रखा है अदर स्कूटर्स के मुकाबले में। और वहीं अगर हम नीचे की तरफ आएँ, तो नीचे आपको यहाँ पर LED लाइट्स मिल जाती हैं, और ये आपके इंडिकेटर मिल जाते हैं यहाँ पे इस साइड में। और भाई ये जो अपना स्कूटर है ना, ये आपका 125cc स्कूटर है, जो कि आपकी पावर प्रोड्यूस करता है करीबन 8.5 BHP की, और 10.5 Nm का इसमें टॉर्क मिल जाता है। तो भाई अपना स्कूटर है, इसकी जो माइलेज है वो आपको करीबन 55 से 60 के बीच में मिलती है, और उसका फ्यूल टैंक है वो आपको 5 लीटर 5.2 के समथिंग आपको उसमें मिलता है। और वहीं अगर हम इसके इस साइड में देखें, तो यहाँ पे आपको ये चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, जहाँ पे अपना मोबाइल वगैरह चार्ज लगा के यहाँ पे रख भी सकते हो, तो ये भी काफ़ी बढ़िया चीज़ इसमें दे रखी है। और भाई अगर हम नीचे की तरफ देखें, तो नीचे की तरफ आपको यहाँ पे इसमें यहाँ इसका साइड स्टैंड मिलता है, तो इसमें ना साइड स्टैंड कट ऑफ भी दे रखा है, जिससे कि अगर आपका साइड ये लगा हुआ है तो आपका जो स्कूटर है वो स्टार्ट नहीं होगा। साथ मैंने इसमें यहाँ पे भी जो सामान लगाने के ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे आप सामान लटका सकते हो, और एक ये वाला हुक है यहाँ पे भी आपका दे रखा है, यहाँ पे अभी आप सामान रख सकते हो। और जिसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको इसमें 160 mm का मिलता है। एंड भाई वहीं अगर हम इसके साइड लुक की बात करें, तो साइड लुक में ना काफ़ी मतलब देखने में अच्छा लग रहा है ये। और यहाँ पे आपको एक्सेस 125 लिखा मिल जाता है, और ये आपका राइड कनेक्ट एडिशन है। तो भाई ये जो अपना स्कूटर है, इसमें आपको 3 वेरियंट मिलते हैं, और एक आपका स्टैंडर्ड आता है कि राइड कनेक्ट आता है, और एक इसमें स्पेशल एडिशन आता है। और जो इसके कलर्स हैं वो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं, वो अभी भैया पूछेंगे, भैया बताएंगे इसमें कितने कलर हैं। बाकी जैसे आप देख भी पा रहे हो यहाँ पे ना, काफ़ी कलर भैया के पास खड़े भी हैं, तो ये सारे कलर्स में मिलते हैं। और इसमें ड्रम ब्रेक से स्टार्ट हो जाता है इसका। और वहीं अगर हम अब स्कूटर के कंट्रोल पैनल की बात करें, तो इधर आप देखते हो तो ये स्विचेस आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी के इसमें मिलते हैं, ये हाई बीम लो बीम का है, ये आपका इंडिकेटर का मिल जाता है, ये आपको इधर हॉर्न का मिल जाता है। और इस साइड में देखो तो आपको भैया पावर किल स्विच मिल जाता है ऑन ऑफ का। और भाई इसके में ना आपको ना किक भी मिलती है, तो आप ना किक से भी इसको स्टार्ट कर सकते हो। और वहीं अगर हम इसके मीटर कंसोल की बात करें, तो भाई ये कुछ इस तरह का मीटर कंसोल आपको इसमें मिलता है, जिसमें कि यहाँ पे आपका टाइम है, ये आपका हीटिंग वाला दिखा रखा है कि आपकी कितनी हीट हो रही है, कितनी नहीं है,
और ये आपका फ्यूल गेज रखा है, ये आपके स्पीडोमीटर है, ये आपका ओडोमीटर मिल जाता है इसमें, और ट्रिप ए दे रखा है, ट्रिप बी दे रखा है इसमें, एक ये आपका बैटरी का ऑप्शन मिल जाता है। एंड इसमें ना भैया आपका ये ब्लूटूथ वाला है, तो इसमें ना आप अपने से फ़ोन कनेक्ट कर लोगे, इसमें मोड वाला बटन दबाओगे तो यहाँ पे ना ब्लूटूथ पेयर वाला ऑप्शन आ जाता है, तो इससे आपको साइड बाय साइड जो नेविगेशन वाला सिस्टम मिलता है वो भी आपको उसमें मिल जाता है। तो जैसे आपका मैप कनेक्ट हो गया है तो उससे आप देख सकते हो कि आपको किधर जाना है, किधर जाना, वो सारी चीज़ आपको बताता है इसमें। सो भाई ये हैं अपने जुबेर भाई, एंड ये आपको बताएंगे कि आपने जो स्कूटर है, इस स्कूटर का भी आप सबसे पहले प्राइस बता दो, प्राइस क्या है इस वाले स्कूटर का? प्राइस है आपका 1,06,591। 1,06,591 ब्लूटूथ वाले का। और जो अपने स्टार्टिंग है ये कहाँ से? स्टार्टिंग जो अपना 98,828 रुपए का, 95,828 का स्टार्टिंग वेरिएंट स्टार्ट होता है, जिसमें आपको ड्रम ब्रेक वाला। तो भाई जैसे ये आप देख रहे हो ये इसका स्टार्टिंग वेरिएंट है, इसमें आपको ड्रम ब्रेक का ऑप्शन मिलता है, और बाकी ब्लूटूथ भी इसमें नहीं मिलता है ना? ब्लूटूथ भी नहीं मिलता है इसमें। तो ये आपका नॉर्मल जो स्कूटर है वो होता है, तो ये आपका 95 से स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद ये अपना ब्लूटूथ वाला आता है, उसके बाद स्पेशल एडिशन आता है। अच्छा, उसके बाद स्पेशल एडिशन आता है जी। तो स्पेशल एडिशन है अपने पास? हाँ, स्पेशल एडिशन है अपने पास। तो ये भी है इसका स्पेशल एडिशन, इसमें भी है ऐसा क्या है जो कि इसमें मतलब इन्हें अलग करता है थोड़ा? इन्हें अलग इसलिए करता है सर, इसमें जो मीटर दिया गया है इसमें एक तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला मीटर नहीं है, ठीक है। इसमें ये स्पेशल एडिशन में ये वाला कलर आपको मिलेगा, ठीक है, वो वाला कलर नहीं मिलेगा इसमें। दूसरा, इसमें क्या होता है, इसमें मीटर जो है, इसमें दोनों मीटर दिए हैं, डिजिटल और एनालॉग दोनों मीटर दिए हैं। अच्छा, डिजिटल एनालॉग दोनों है? एनालॉग दोनों मीटर दिए हैं, जिससे ये इसको इसको अलग अलग कर देता है। अच्छा, इसको अलग अलग करता है। इसी इसका प्राइस भी कम है। इसका प्राइस भी कम है? इसका प्राइस है 1,01,800 रुपए का। 1,01,800 रुपए में आपको ये मिल जाता है, जिसका स्पेशल एडिशन है, जिसमें आपको डिस्क ब्रेक वगैरह सब मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ मीटर और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का। ओके, तो इसमें डिस्क ब्रेक वगैरह सारी चीज आपको मिलती है, सिर्फ इसमें जो अलग है वो आपका, जैसे आप देख सकते हो इसमें आपको एनालॉग और डिजिटल ये दोनों चीज़ इसमें मिलती है। और इसमें जो इसे थोड़ा और अलग करता है वो है भाई इसका ये जो यहाँ पे कलर है, और ये जो लोगो मिल रहा है ना स्पेशल एडिशन लिखा हुआ, ये चीज़ से आप इसको पहचान सकते हो कि आपका स्पेशल एडिशन स्कूटर है। और भैया इसमें हमारे कलर कितने आते हैं टोटल? इसमें टॉप मॉडल में अपने ब्लूटूथ वेरियंट वाले कलर, इसमें कलर आते हैं आपका, एक तो मैट ब्लैक और आपका गोल्डन, इसमें तीन कलर आते हैं। और वैसे अपने जो एक्सेस स्कूटर है इसमें कितने होंगे टोटल? इसमें भी चार कलर होते हैं सर, योशी ब्लू और आपका आ जाता है एक व्हाइट कलर आ जाता है, एक मैट रेड कलर आ जाता है, इसमें चार तो कलर। अगर हम राउंड फिगर बात करें तो 8-9 कलर हमारे इसमें हो जाते हैं, 8-9 कलर आराम से हो जाते हैं। तो भैया जैसे कि हमारे जो सब्सक्राइबर है वो इस स्कूटर को लेना चाहें तो उन्हें मतलब अगर फाइनेंस कराना है तो मान लो फाइनेंस में मतलब उन्हें कितना क्या डाउन पेमेंट देना पड़ेगा? 15,000-20,000 रुपए सर। 15,000-20,000 की डाउन पेमेंट है। डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे? डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट। आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक स्टेटमेंट, इतने में उनका हो जाएगा? हो जाएगा। तो भाई ये है जुबेर भाई, जुबेर भाई नंबर बता दो आपका, नंबर क्या है? मेरा नंबर है 9654437677। तो भैया मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। जो अपने यहाँ का एड्रेस है वो है भैया FS प्लाजा जगत फॉर्म ग्रेटर नोएडा। तो अगर आपको किसी को भी आना है तो नीचे आपका ना गूगल का जो लिंक है का मैप का वो आपको मिल जाएगा। और भाई अपनी वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताना, और भाई अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।